नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में हम बात जातियों की करेंगे, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावों के वक्त पर धर्म और जाति के इर्द गिर्द जो अपनी अपनी राजनीति साधने की कोशिश करती हैं, आखिर उसकी वजह क्या है, ये हम आपको बताएंगे। हम आंकड़ों के नजरिए से आपको दिखाएंगे कि आरक्षण अगर बिहार में नीतीश कुमार कास्ट सेंसस के बाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, किसकी लोकप्रियता में इससे आती है उछाल, किसकी लोकप्रियता में गिरावट, किसको होता है फायदा, किसको नुकसान, ये जानने की करेंगे आज पीएससी में कोशिश। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में आए हैं हमारे साथ। रोहन गुप्ता जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ बाहर से जुड़ गए, रोहन जी स्वागत है। अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू के, अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर के, आशुतोष वर्मा जी नेशनल स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, और खास मेहमान प्रोफेसर संजय कुमार को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के, जाने माने सोशियोलॉजिस्ट। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और तमाम आंकड़े आपके सामने रखें, आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कि आरक्षण वाला नीतीश का दांव बिहार में क्या रंग लाता दिख रहा है। मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। आप 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा, लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और एससी एसटी को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, ये सर्वे जो है ये छलावा है, हमने इसका समर्थन किया था मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। इन्होंने हमेशा तुष्टिकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टिकरण का काम किया है। इसको रोका न गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली। आपको बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री हम नहीं कर रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता, ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता, ये गरीब तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा। आप चाहें तो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें, मैं तैयार हूं, मैं समर्थन करूंगा आपको, आप बढ़ा लीजिए इसको, 40 कर लीजिए, 60 कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात से, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सवाल मूल खड़ा यह होता है क्या होगा, कैसे उनको रोजगार मिलेगा, कैसे नौकरियां मिलेगी, जब वो डिग्री प्राप्त नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए आंकड़े आपके सामने रखने शुरू करते हैं, क्योंकि इसी से आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये चर्चा बिहार से शुरू हुई और उसकी वजह यह है कि वहां पर कास्ट सेंसस यानी कास्ट सर्वे करने के बाद वहां पर आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। तो आपको बता देते हैं अति पिछड़ा वर्ग जिसको अभी 18% मिलती है, ये बिल पास होने के बाद अब उसे 25% का प्रस्ताव है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, देखिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड नीतीश कुमार का फोर्टे रहा है, वहां पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी पैठ बनाई है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी 12% है, उसको 18% करने का प्रस्ताव है। ओबीसी की पूरी लड़ाई है तमाम पार्टियों में। अनुसूचित जाति 16% से 4% वहां पर बढ़ा रहे हैं, जिसको वो कर रहे हैं 20। अनुसूचित जनजाति को 1% से 2%, और वो काफी कम तादाद में वहां पर है भी बिहार में। जाति आरक्षण कुल 50% से अब 65% हो जाएगी। देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है ईडब्ल्यू, अगर आप देख लें तो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है वीकर सेक्शन से, उनके लिए भी 10% आरक्षण है, वो भी बिहार में लागू है, लेकिन जाति आधारित जो आरक्षण है वो अब 50% से 65% हो गया। चलिए अगले आंकड़े पर आते हैं। बिहार में किसको कितना आरक्षण इस वक्त मिल रहा है, तो हिस्सेदारी उतनी दावेदारी, यही दम भरती है तमाम क्षेत्रीय पार्टियां।
अति पिछड़ा की हिस्सेदारी लगभग 36% है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड ईबीसी आपने सुना होगा, अति पिछड़ा 36% है और आरक्षण उन्हें मिल रहा है 18, इसको वो बढ़ाकर कर देना चाहते हैं 25। पिछड़ा ओबीसी 27% इनका हिस्सेदारी है और इसको वो आरक्षण अभी 12 मिल रहा है, इसको वो बढ़ाकर 18 करना चाहते हैं। कुल पिछड़े जो है 63% है आबादी के हिसाब से आप देखें, और 30% मिलाकर उनको इस वक्त आरक्षण मिल रहा है, और अगर जो ये नया प्रस्ताव है उसके मुताबिक लगभग उनको 43% मिल जाएगा, 43% यानी 43%, 60% आबादी, 43% उनको मिल जाएगा आरक्षण। अब हम आपको दिखाते हैं बिहार में किसकी कितनी आबादी है। अति पिछड़ा 36, पिछड़ा 27, एससी 19, एसटी देखिए हमने आपको कहा था बहुत कम तादाद है इनकी, इसीलिए वहां पर इजाफा भी 1% का ही किया गया है, 1% इनकी आबादी है वहां पर 1.06। वहीं जो अगड़े हैं वो लगभग 15.5% है बिहार में। अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं बिहार में किसकी कितनी आबादी में, जो बार डायग्राम है वो जल्दी से बता दीजिए। ये देखिए जो सामान्य वर्ग के लोग 15.5% हैं, उसमें भूमिहार लगभग 3.25% 2.86, राजपूत 3.45 यानी लगभग 3.5%, ब्राह्मण लगभग समझ लीजिए 3.5%, और कायस 0.6% ही है। अब जो अगला डायग्राम हम आपके सामने रख रहे हैं बिहार में किसकी कितनी आबादी में, पिछड़े प्लस अति पिछड़े मिलाकर 63 हो जाते हैं, पिछड़े होते हैं 27, यादव 14, यहां पर ये भी ओबीसी में आते हैं, और यहीं पर आप कुर्मी देख लीजिए 2.8, कोयरी भी 4.2%। इन तमाम जो आप अलग अलग कास्ट हैं इनका अच्छा खासा वर्चस्व है बिहार की राजनीति में। अब हम आपको दिखाते हैं बिहार में किस पार्टी को किसका साथ, और ये आंकड़ा संजय जी की तरफ से सीएसडीएस लोक नीति की तरफ से आपके सामने हम रख रहे हैं। 2020 के चुनाव में महागठबंधन को 15% ब्राह्मणों ने वोट किया, जबकि 52% ब्राह्मणों ने वोट किया एनडीए को, और एलजेपी को 7% ब्राह्मणों ने वोट किया। भूमिहार पर आइए, 19% ने महागठबंधन को वोट किया तो 51% ने एनडीए को, 3% ने एलजेपी को। यह हम आपको पहले अगड़ी जातियों का दिखा रहे हैं। राजपूत 9% से 55% ने वोट किया बीजेपी के लिए और 11% ने एलजेपी को। वहीं आप यादव पर आइए तो 83%, देखिए इसमें लालू प्रसाद यादव का अच्छा खासा योगदान है आरजेडी का, 83% वोट एक मुश्त महागठबंधन को, और वहीं 5% सिर्फ आता है एनडीए को, सिर्फ 2% एलजेपी को। कुर्मी वोट 11% महागठबंधन को और 81% चला गया एनडीए की तरफ, 3% एलजेपी। कोयरी वोट 16% महागठबंधन को तो 51% आप देख रहे हैं एनडीए की तरफ। इसलिए जो पिछड़ी जाती है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पिछली बार एनडीए के साथ गया था, और वहीं पे आप देख लीजिए कुर्मी हो कोयरी हो चाहे अति पिछड़े हो, 81% 51% 58% सब जाता हुआ दिख रहा है एनडीए की तरफ, जबकि 11 से लेकर 18 के बीच में महागठबंधन को। लेकिन जो मुस्लिम वोट है, अब उस पर आ जाइए, जब आप मुस्लिम वोट पर आते हैं तो यहां पर सीधा 76% वोट चला जाता है। अब जल्दी से दिखा दीजिए जो मुस्लिम वोट है, 76% आपने देख लिया सीधा महागठबंधन को, सिर्फ और सिर्फ 5% एनडीए के हिस्से में जाता हुआ, 2% एलजेपी को। अब हम आपको दिखा देते हैं अभी कहां कहां पर कितना आरक्षण है, समझिए इस बात को। तमिलनाडु को छोड़ के तमाम जगहों पर अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि 50% की बात देश मतलब इस देश के संविधान के तहत 50% तक ही आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन प्रस्तावित हरियाणा में 60%, राजस्थान 64%, गुजरात 59%, तेलंगाना में 50% ही है, छत्तीसगढ़ में 82%, 82%, इसी के साथ मध्य प्रदेश में 73%, तमिलनाडु 69%, महाराष्ट्र 52%, बिहार में 60%, अब ये 75 हो जाएगा जब ये प्रस्ताव जो अभी बिल पास हुआ है 75% है, ये सब जगहों पर कोर्ट में, क्योंकि 50% पहले से है 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड का आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, और उसके बाद से 15% जो उन्होंने इजाफा कर दिया, 75 पहुंच जाएगा बिहार में। भारत के मैप पर अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं ओबीसी जो लिस्ट है उसमें जातियां कौन कौन सी हैं। तो महाराष्ट्र में 256 जातियां हैं ओबीसी, कर्नाटक में 199, आप सोचिए
कि ओबीसी में भी कितने कास्ट आते हैं। ओडिशा 197, तमिलनाडु 182, झारखंड में 134 जातियां आती है ओबीसी में, बिहार में 132 जातियां, गुजरात में 105, आंध्र प्रदेश में 104 जातियां। ओबीसी वोट शेयर भी कांग्रेस और बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का जल्दी जल्दी आपको बताकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो 2004 में आप देखिए सीएसडीएस लोक नीति की तरफ से आंकड़े हैं, कांग्रेस को 24%, 23% बीजेपी को, क्षेत्रीय दलों को बहुत बड़ा हिस्सा गया है 43%। ये 2004 की बात है जब यूपीए की सरकार बनी थी। उसके बाद 2009 में आई है तो फिर 24% उनको, बीजेपी को 22 और 42 क्षेत्रीय दलों को। 2014 पर आइए तो मामला पलटता है और जब प्रधान मतलब नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट होते हैं उस वक्त 15% में सिमट जाता है कांग्रेस, कांग्रेस सिमट जाती है, 34% वोट आ जाता है ओबीसी का बीजेपी को और 43% पर क्षेत्रीय दल अच्छे खासे नंबर पर बरकरार रहते हैं। लेकिन 19 आते आते हिंदू वोट के नाम पर ओबीसी का एक बड़ा तबका बीजेपी की तरफ पहुंच जाता है और फिर उनका ग्राफ बढ़ता है सीधा 34 से 44 पर, 44%, और क्षेत्रीय दल गिरकर पहुंच जाते हैं 27 पर, कांग्रेस 15 पर बरकरार रहती है। तो ये आपने हाल देख लिया है। हम आपको मध्य प्रदेश का भी जल्दी से अब बता दे रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं। तो मध्य प्रदेश में देख लीजिए बीजेपी को 58% अब दी जाती है वोट देती है तो कांग्रेस को 33, ओबीसी 48 देते हैं बीजेपी को, 41 कांग्रेस को। ये पिछली बार का है और पिछली बार कांग्रेस की वहां जीत हुई थी, इसीलिए शायद आप देख रहे हैं अगड़ी जातियां हो, ओबीसी हो, सब में एक साइजेबल नंबर कांग्रेस के साथ भी है। दलित में वहीं आप देखेंगे तो बीजेपी पिछड़ जाती है और 49% कांग्रेस की तरफ, आदिवासी में 30% बीजेपी तो 40% कांग्रेस। और ये भी एक बड़ी वजह रही है कि दलित और आदिवासी वोट जो पूरी तरह से एकमुश गया कांग्रेस की तरफ से, उनको एक बड़ी कामयाबी पिछले चुनावों में मिली। मुस्लिम में भी आप देखिए तो 15% बीजेपी और 33% कांग्रेस की तरफ। ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। अब जल्दी से हम आपको सीधा 12 नंबर का ग्राफिक्स दिखा देते हैं जो कि राजस्थान का है। राजस्थान में देखिए, और ये मध्य प्रदेश में जानना जरूरी है कि कांटे का मुकाबला था लेकिन कांग्रेस ही जीती थी, कांग्रेस की सरकार पहले बनी थी, बाद में इनकी पार्टी जो है वो सिंधिया जी को उधर ले आई पता नहीं क्या करके, और सिंधिया जी भी गुस्साए हुए थे, खैर वो अलग बात है। अब राजस्थान में देखिए यहां पर भी कांग्रेस को अच्छा खासा इन तमाम जातियों में वोट मिला, उन्हीं की जीत हुई। अगर 45% ब्राह्मणों ने बीजेपी को दिया तो कांग्रेस को 39, राजपूत 53% तो 35 कांग्रेस की तरफ, राजपूत बरकरार रहे ज्यादातर बीजेपी की तरफ। और यहीं पर आप अन्य अगड़े में देखें तो 50% बीजेपी, 30% कांग्रेस, जाट 26%, लेकिन ज्यादा वोट जाट का गया कांग्रेस पार्टी की तरफ और उनको जीत मिली। ये जो अब जातिवार सबका हिसाब है वो आप दिखाते रहिए, हम सवालों की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, क्या आपके मन जो कमंडल की राजनीति है जिसमें आप राम मंदिर बार बार समझा रहे हैं देश को, वोटर्स को, उस पर ये कमंडल की राजनीति भारी नहीं पड़ेगी? क्या ये कमंडल टू नहीं है? अगर बिहार के बाद देखिए मध्य प्रदेश हो, कमलनाथ कहते हैं कास्ट सेंसस करेंगे हम, आरक्षण बढ़ाएंगे ओबीसी का, तमाम जो जाति के आधार पर, ये सच्चाई है भारत की राजनीति की, जाति के आधार पर वोट होता है, क्या उनकी तरफ से आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का सीधा उठाया हुआ कदम आपके लिए बड़ा सेटबैक नहीं है? देखिए अंजना जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी राजनीति तो बहुत शुरुआत से सबका साथ सबका विकास की राजनीति रही। आज बिहार में जो आरक्षण का बिल नीतीश कुमार जी की सरकार लेकर के आई, हाँ, उसका तो सबने समर्थन किया, विरोध वहां है ही नहीं। विरोध कहां पर है? विरोध यहां पर है कि आरक्षण का बिल ला करके या आरक्षण को बढ़ा करके ये पिछड़ों के हाथ में एक जुंझना पकड़ाने जैसा है या वास्तव में पिछड़ों के लिए कुछ किया जाएगा? ऐसी क्या जल्दी थी कि जिस प्रदेश में 5 साल में ग्रेजुएशन नहीं हो पा रही वहां 3 महीने में एक पूरा सर्वे करवा दिया, उसका आर्थिक सर्वेक्षण भी नहीं किया, और वो ये भी नहीं जान पाए कि कौन कितना गरीब था। अंततः जब लेकर के आए गरीबी तो क्या आंकड़े सामने आए देश के सामने, क्या देखने को मिला? आज 16% लोग ऐसे हैं बिहार प्रदेश के अंदर जो मजदूरी कर रहे हैं, 67% वो हैं जो कामगार नहीं है, उनको या तो गृहिणी के क्षेत्र में डाल दिया या फिर उनको विद्यार्थी मान लिया गया है। ऐसा प्रदेश जहां पर गरीबी पलायन चरम सीमा पर हो, वहां पर मैं मुख्यमंत्री जी से आज पूछता हूं, आरक्षण बढ़ाने का आपने निर्णय लिया, बहुत बढ़िया काम किया, आज तक का जितना आरक्षण था उसमें पिछड़ों को कितना दिया, इसका भी तो कभी जवाब देंगे? अरे जो ऑलरेडी दिया जा रहा था उसमें पिछड़ों को कितना दे पाए आप? आज पिछड़े वर्ग के 1.75% लोग ही सरकारी नौकरी में है,
उसके अलावा गरीब लोगों का कुछ नहीं। और जब हम कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब की जाति है तो इनको सबको बहुत चिढ़ हो जाती है। ये जो नया नया ओबीसी सीख कर आए हैं राहुल जी एंड कंपनी, जिनको कुछ साल पहले तक पता भी नहीं था कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी नया नया सीख लिया कि अदर बैकवर्ड क्लास कुछ है और उसको रट लगाने लग गए हैं, उनसे कभी पूछा जाएगा नहीं जाएगा कि आपने पिछड़ों के लिए क्या किया? आप कहां थे तब जब हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बिल लेकर के आए थे संसद में और हमने कहा था इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इन सभी विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध किया था, सदन के पटल पर किया था। क्यों आप थे पिछड़ों के विरोधी? आप जब सत्ता में थे आप ले आते विश्वकर्मा योजना, ले आते फिशरीज का डिपार्टमेंट, ले आते ऑल इंडिया मेडिकल सीट्स में आप आरक्षण देते। अरे जितना आरक्षण था उसके लिए आपने क्या किया? नीतीश बाबू उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, ये तो चुनाव से पहले खेले जाने वाला, लोगों को गुमराह करने वाला एक ऐसा पैतरा वो सोच रहे हैं कि अब मैं जात बात में बांट करके गुमराह कर दूंगा। लेकिन 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 अमित शाह देश के गृह मंत्री, एक छोटा सा आपसे जवाब है, आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे हैं आप? क्योंकि उन्होंने कहा इन्फ्लेटेड नंबर्स दिखाया जा रहा है यादवों का मुस्लिम का, तो आप कास्ट के आधार पर क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग समझ नहीं पाएंगे क्या? मुजफ्फरपुर में अमित शाह जी ने कहा है। देखिए अंजना जी, ये पूरा जो बिल नया पूरा एक प्रपोजल ये लाया गया किस आधार पर लाया गया? सर्वे के आधार पर लाया गया। वो सर्वे अगर इतना ही सात्विक था, इतना ही अच्छा था तो पूरा पब्लिक कर दीजिए, बता दीजिए पंचायत स्तर तक कौन कितना किस जाति का किस गांव में रहता है ताकि गांव वाले भी जान ले। एक रहस्यमय तरीके से आपने सर्वे करवाया, तीन महीने में ना जाने आपने कौन सा कहां का डेटा दिया और आपने उस पे बेस करके कह दिया कि हम पिछड़ों के सबसे बड़े सरोकार करने वाले हैं और हम ये नया आरक्षण लेंगे। ठीक है रोहन जी, आप पिछड़ों के लिए क्या करते हैं पूरा देश जानता है। ये मंदिर मंदिर आप जात जात क्या फर्क है? देखिए अंजना जी, अभी भाजपा प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, मेरा एक सिंपल सवाल है, जब देश में आगे वाले कांच में देख के हम लोग आगे की बात करते हैं तब ये पीछे वाले कांच में देख के भूतकाल की बात करते, समझ नहीं आता। मुद्दा सिर्फ सिंपल है, भाजपा ये बता दे कास्ट सेंसस के साथ में है कि नहीं है। भाजपा ने अभी तक हमेशा प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी कास्ट से आता हूं। पूरे देश में पहला चुनाव नहीं, दोनों चुनाव उन्होंने बताया कि मैं ओबीसी के साथ में हूं, मैं खुद ओबीसी हूं। तो आज जब ओबीसी की बात पूरा देश कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उनको आपत्ति क्या है? आप पीछे की चीजें गिनवा रहे, इसने ये किया वो, सिंपल सवाल है। सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, क्या कास्ट सेंसस के साथ में क्यों नहीं है? सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, क्या कास्ट सेंसस रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? सिंपल सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपने कार्यकाल में कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हैं? सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, जब ओबीसी की आप बात करें तो ओबीसी को जो उसकी आबादी के हिसाब से अधिकार की कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी बात करिए, आपको आपत्ति क्यों है? आप हमसे चार सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे सिर्फ इतने सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारे एक स्टैंड है, उसके साथ हम आगे चलना चाह रहे हैं, आप उसके साथ में हैं या नहीं है ये देश को बता दीजिए, देश समझ जाएगा कि आपकी जो ओबीसी की सिर्फ राजनीति की बात है और आपकी हकीकत में क्या फर्क है। राहुल जी ने आंकड़ों के साथ में कहा कि केंद्रीय मंत्रालय में सेक्रेटरी की बात हो, जहां पे ओबीसी की 50% आबादी है वहां पे 3 या 4 या 5 सेक्रेटरी ओबीसी के हैं। एमपी में भी वही हाल है। तो आप जब ओबीसी की राजनीति करते हैं, जो सबसे ज्यादा आबादी है देश में, उसको उसका अधिकार मिले, उसमें हर्ज क्या है? अगर आपको आपत्ति है तो बता दो, हमको सवाल पूछने से पहले आप जवाब दीजिए कि आपको क्या आपत्ति है। देश अपने आप इसका निर्णय का स्वीकार करेगा, किसकी नियत में, किसकी नियत सही है और किसकी नियत में खोट है। ठीक है, एक जवाब दे दीजिए, चूंकि वो डायरेक्टली पूछ रहे हैं, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। और ये बात जो समझिए, यादवों और मुसलमानों को बढ़ा चढ़ा कर उनका उनकी आबादी दिखाई गई है बोल रहे हैं, लेकिन आपकी भी हिम्मत नहीं है, आपने भी यूनानिमस सर्वसम्मति से पास हुआ ना भाई, तो आपको भी पता है कि इसमें इसके खिलाफ आप जा नहीं सकते। नहीं, मैं पहले तो रोहन जी की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि हम एक बार खुल करके बता दें कि हम हैं साथ ही नहीं है। अब रोहन जी की हो सकता है कांग्रेस पार्टी को यह समझ हो कि मात्र सर्वेक्षण करना, सेंसस करने से ही पिछड़ों का उद्धार होगा, तो वो उन आपकी समझ का ही जवाब देता हूं। माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने बहुत खुल करके कहा कि हमारा कास्ट सेंसस इस देश में समय आने पर, उचित समय पर, जितनी भी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं उनको पार करके हम करवाएंगे। ये टॉपिक यहीं खत्म हो गया। तीन सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जब आपने 2011 में करवाया था तो 2014 तक आप क्यों कुंडली मारकर बैठे हुए थे? आपके पीछे चिदंबरम ने खड़े होकर के क्यों पार्लियामेंट में कहा था कि अगर ये डेटा हमने रिलीज कर दिया तो इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस? आपने क्यों कहा था कि आपने जब कर्नाटक में करवाया, राजस्थान में करवाया, उसको आपने क्यों नहीं रिलीज किया? रोहन जी बीच में मत बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। टॉपिक खत्म कैसे हो गया? आप इसके साथ हैं या नहीं है? एक साथ रोहन जी, मैं छोटी सी बात थी। हाँ। तीन सवाल मैंने पूछे और चौथा सवाल आज अंजना जी आपके शो पे पूछ के जा रहा हूँ। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बिल को कांग्रेस पार्टी ने क्यों विरोध किया था? संवैधानिक दर्जा मिला था क्यों विरोध? रोहन जी
देखिए मेरा, मैंने एक सिंपल सवाल उनको पूछा, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता अंजना जी, मेरा सिंपल सवाल है, अगर उनको हमारी नीयत खराब रोहन जी कि हम कास्ट सेंसर गलत करवा रहे हैं, आप बता दीजिए कि हमने जो कास्ट सेंसर रिलीज किया मैंने कब कराएंगे, कौन सी त्रुटियां, आज कोविड कोरोना खत्म हो गया, आज वो पहला रिपोर्ट रिलीज नहीं कर रहे तो बताएं देश को क्या त्रुटियां हैं, त्रुटियां कुछ नहीं, आपकी नीयत में खोट है, जो आप करवाना चाह रहे हैं आप उसके साथ खड़ा भी होना चाह रहे हो, विरोध भी कर, जवाब लेना मैं लूंगी आपसे। अरविंद वाजपेयी जी, मतलब सभी पार्टियों ने वहां सर्वसम्मति से ही पास किया ना, कास्ट सेंसस अगर हो ही रहा है तो फिर पूरे देश में हो, बार बार वो पूछ रहे हैं बैकफुट पर क्यों है एनडीए पर, मना कब किया, ना प्रधानमंत्री ने मना किया ना गृहमंत्री ने मना किया, एक सेकंड, ना प्रधानमंत्री जी ने मना किया ना गृहमंत्री जी ने मना किया, और उसके गवाह नीतीश बाबू, नीतीश बाबू और ये तेजस्वी और सब पूरा डेलीगेशन जब प्रधानमंत्री जी से मिलके आया, आके नीतीश बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है, ऑन रिकॉर्ड है, तो जब हम मना ही कर रहे तो टाइमिंग का देखिए, सरकार को निर्णय लेना है कब कराना है कब नहीं कराना, वो सरकार कराएगी, नंबर वन। नंबर टू, ये बिहार में राजनीतिक पैतरा है अंजना जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हो, 2007 में इन्हीं नीतीश बाबू ने दलित और महादलित डिवीजन किया था, पिछड़ा और अति पिछड़ा का डिवीजन किया था, क्या परिणाम निकला उसका, आज जो सर्वे इन्होंने ही कराया है, इन्हीं का सर्वे, जबकि हम कह रहे हैं कि गलत सर्वे है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें रिकॉर्ड यह है कि 34% लोग परिवार अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है, 94 लाख परिवार, तो कहां पहुंचाया, और बिहार लगातार 30 साल से 15 साल लालू जी के पास, उसके बाद नीतीश बाबू 17-18 साल से, आज भी बीए की डिग्री जो है ना, माफ करना, 3 साल वाली 7 साल में मिलती है, और हेल्थ इंडेक्स में नीचे से तीसरा नंबर है, किस किस को मैं गिनाऊं, क्या क्या गिनाऊं। संजय जी, ये जो आंकड़ा हम लोग दिखा रहे हैं, जो लोक नीति सीएसडीएस की तरफ से ही आपने दिया है, 2004 वाला निकालिएगा, 2004, 2009, 2014, 2019, क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया बन रहा है, तमाम जो धुर विरोधी पार्टियां हैं वो भी एकजुट हो रही हैं, क्योंकि मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना है, उसमें ये जो 44% ओबीसी वोट पर बीजेपी पहुंच गई थी पिछले चुनाव में, उसको नीचे लाने का एकमात्र ये तरीका था, तभी नए सिरे से हम देख रहे हैं कमंडल 2.0 को देश में रफ्तार पकड़ते हुए। अंजना जी, अगर आप वोट बैंक देखें, चाहे आप यादवों की बात करें, ओबीसी की, ओबीसी वोट की बात करें, और बिहार या किसी दूसरे राज्य में भी, तो लोकसभा में जिस तरह से पोलराइज्ड वो बीजेपी के पक्ष में होते हैं, उतना पोलराइज्ड असेंबली इलेक्शन जब होता है उन्हीं राज्यों में, तो अगर आप बिहार का भी देखेंगे तो उतने पोलराइज्ड नहीं होते, लेकिन ये जरूर है 2019 का अगर आप चुनाव देखें तो बहुत पीक कर गई, ओबीसी का वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जितना ज्यादा ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ टिल्ट हुआ उतना रीजनल पार्टियों को नुकसान हो रहा था। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां दो बड़ी रीजनल पार्टियां हैं, और तमाम, और चाहे किसी की भी सरकार हो, कभी बीजेपी सरकार में आई, कभी सरकार से बाहर हो गई, लेकिन एक न एक रीजनल पार्टी सरकार में बनी रही, तो बीजेपी ने जितनी पैठ बनाई ओबीसी वोट में उतना रीजनल पार्टियों को नुकसान हुआ, और रीजनल पार्टियों को कोई ना कोई एक तरह से एक हथियार चाहिए था जिससे वो ये कह सके कि ओबीसी की असल हिमायती हम हैं, और उन्हें लगा कि जो ओबीसी की जो गिनती हुई, जो कास्ट सेंसस आया, इसके आधार पर उन्हें लगता है एक सीढ़ी है जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ सकते हैं, और राज्य की राजनीति में जो थोड़े से वो कम से कम लोकसभा चुनाव में वो हाशिए पे जाने लगे थे, तो उस इसके सहारे वो वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि या सिर्फ ये जो ओबीसी की गिनती हुई है सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिक्स तो है, लेकिन मुझे लगता है जो तमाम दलीलें दी जा रही हैं कि पिछले कई साल में, कई दशक में ओबीसी की स्थिति ये रही है, लेकिन इसकी स्थिति जानने के लिए भी कम से कम गिनती तो होनी ही चाहिए थी, और ये जो गिनती हुई, मुझे लगता है, मैं तो इसका कम से कम समर्थन करता हूं और कहता हूं कि गिनती तो जरूरी थी। लेकिन संजय जी, जो ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स का हो गया है दो जगहों पर, यानी आपकी इसमें भी गिनती हो गई है, बैकवर्ड में भी गिनती हो गई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, जो बीजेपी कह रही है कि ये खामियां है इसमें, वो किस तरह से, क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखता है? देखिए तमाम, अब जब तक ये पूरे प्रोसेस के बारे में पता ना चले, कि हो सकता है गलतियां हुई होंगी, त्रुटियां जरूर होंगी, शुद्ध बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल उसमें कोई त्रुटि नहीं, और सारे आंकड़े जो डेसिमल में दिखाए जा रहे हैं कि 3.23,
तो 3.23 का मतलब एग्जैक्ट 3.23 होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऐसे आंकड़ों पे तो तमाम आंकड़ों पे सवाल उठाए जा सकते हैं। नहीं, मैं लेकिन, उसकी लेकिन, नहीं कर रही आपसे संजय जी, मैं तो ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन यानी मुस्लिम्स का मुस्लिम आबादी में भी और फिर पिछड़ों में भी अगर उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दो जगहों पर आप उनकी गिनती को शामिल कर रहे हैं, तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड यानी राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखाई देता है? देखिए, अगर आप मुस्लिम्स को कि वो दो अलग कॉलम होते हैं, जब हाँ। कैसे चीजों की गिनती कैसे होती है, दो अलग कॉलम है, एक हाँ। धर्म का कॉलम है, आपका धर्म क्या है, वहां जो मुस्लिम है वो मुस्लिम में जाएगा, और जैसे ही आप दूसरे कॉलम पर आते हैं अपनी जाति के बारे में हाँ। तो अगर वो व्यक्ति चाहे वो मुस्लिम धर्म का है, हिंदू धर्म का है, अगर वो ओबीसी है तो वो कहेगा ओबीसी, और आपको उसे ओबीसी के रूप में गिनती करनी पड़ेगी। यही तरीका है, सेंसस में भी ऐसे ही किया जाता है, तमाम चीजों की जब गिनती होती है ऐसे ही किया जाता है। ठीक है अभिषेक झा जी, लेकिन ये आरोप लगेगा कि 2024 आने के पहले जिस तरह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए जोर लगा रहे थे, उसी के साथ उन्होंने कास्ट सेंसस, आरक्षण की सीमा बढ़ाना, सब कुछ आपको अगले एक मिनट में ये देश को समझाना है कि इस आरक्षण की बढ़ोतरी और चुनाव में कोई संबंध नहीं है। देखिए, आपने समय तो थोड़ा कम दिया अंजना जी, लेकिन मैं अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। नीतीश कुमार जी ने हमेशा जमात की राजनीति की है, जाति की राजनीति नहीं की है। अति पिछड़ों को दलितों को महादलितों को कैसे उनका हक मिल सके, इसके लिए वो प्रयासरत रहे। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने वादा करके नहीं किया वो नीतीश कुमार जी ने बिहार में कर दिया, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी ही हो गई है कि खामोश सी रात और बेचैन सी करवट है, न रात कट रही है न आंख लग रही है। मतलब ये वादा करके मुकर जाने वाली पार्टी देश के स्तर पर जातीय जनगणना नहीं करवाती है, जब बिहार में जातीय गणना होती है तब इसके खिलाफ साजिश रचती है, इनके द्वारा संपोषित संस्थाएं इसको कहीं ना कहीं कानूनी पछड़े में फंसाने की कोशिश करती है, और जब ये तब भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव पारित होता है, ये घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। इनसे हमारे कुछ बुनियादी सवाल है कि अगर इन्हें बिहार की जातीय गणना पर भरोसा नहीं है तो देश के स्तर पर क्यों नहीं कराते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है उन प्रदेशों में क्यों नहीं कराते हैं। दूसरा सवाल है कि आपने पहले कहा था कि आप लोग देश के स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उस हिसाब से आरक्षण पर बात करेंगे, जब बिहार में आरक्षण पर बात हो रही है तो आपका दोहरा चरित्र क्यों। तीसरा सवाल कि आपके लिए दो ही जातियां हैं, गरीब और अमीर, ये कब से होने लग गया। प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़े का बेटा बताते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी तरफ से राष्ट्रपति पद का भी उम्मीदवार बनाया जाता है तो उनकी जाति बताते हैं, मंत्री परिषद के सदस्यों, इनके सांसदों, सबकी जाति बताते हैं, जाति जाति खेलते हैं। लेकिन जब लगता है कि इन्होंने जाति के नाम पर कुछ भी नहीं किया और पिछड़े अति पिछड़ों का समर्थन इनको नहीं मिलेगा तो गरीब और अमीर कहने लग जाते हैं। भाई, हमारा देश संविधान से चलता है, अगर आप सचमुच अति पिछड़ों के हितैषी होते तो पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक अति पिछड़ों के बच्चों को जो मिलती है छात्रवृत्ति, उस योजना को बंद नहीं करते। बिहार से आते हैं अंजना जी, आप भी जानती हैं, बाबू जगजीवन राम के नाम पर चल रही छात्रावास योजना का नाम आप नहीं बदलते। वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार जी ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया है इस पॉलिटिक्स में, न सिर्फ विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया है बल्कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सेट किया है जो भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोके। आशुतोष जी, इसी तरह के कुछ वादे आप भी करेंगे उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस भी अब खुलकर आ गई है मैदान में, कह रही हम भी कास्ट सेंसस करेंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे। सवाल यह है कि ये सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है ना, वरना चिंता तो इतने दशकों से, क्या उनकी व्यथा है, क्या उनका हाल है, दिखा नहीं 24 के पहले, सब जोर पकड़ रहा है। नहीं देखिए अंजना जी, पहली तो बात तो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक मुद्दा नहीं है, समाजवादी पार्टी इस संघर्षों से और पिछड़ों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते हुई उसका उसकी उत्पत्ति हुई है। और ऐसे कई उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अपने इतिहास में जाके देखना चाहिए कि जब आप जो पिछड़ों की बात करते हैं तो आपने पिछड़ों के लिए क्या किया। अंजना जी, ये सारी लड़ाई स्टार्ट हो गई है सन 1990 के दौर से, और मैं बिंदुवार बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से पिछड़ों के साथ क्या धोखा किया है। जब माननीय वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका हाथ छोड़ दिया और सरकार गिरा दी। और कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी कोई अलग नहीं है, हम समाजवादी पार्टी की दृष्टि से देख के बता रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, तब देखा, और पहली बार इस देश में एक मंडल आयोग के खिलाफ एक कमंडल यात्रा शुरू की भारतीय जनता पार्टी। तब कहां थे पिछड़े? 2001 में माननीय
दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा कि कास्ट सेंसस हम नहीं करेंगे क्योंकि वो समाज में विघटन करती है, और यह आधिकारिक रूप से कहा। 2011 में जब यूपीए सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए खर्च करके वो सेंसस कराया तब सरकार गई, और 2016 में माननीय दिवंगत अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रिपोर्ट हमारे कास्ट सेंसस की रिपोर्ट है लेकिन हम घोषित नहीं कर सकते। अभी 2017 में जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य को वहां का अध्यक्ष बनाया जाता है और ये झुंझुना दिया जाता है कि शायद आने वाले समय में ये मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन हुआ क्या आप सबने देखा, वहां भी स्टूल ही मिला उनके। राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया अच्छा, और पिछड़ों को रखा नहीं गया। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप मेरी पूरी बात होने दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, राम मंदिर ट्रस्ट हुआ, एक भी पिछड़ों को इतनी वक्त नहीं दिया गया कि उस ट्रस्ट में रखा भी गया नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, 13 पॉइंट रोस्टर लेके आ गए। उसके बाद जब 13 पॉइंट रोस्टर से लड़ाई खत्म नहीं हुई तो उन्होंने कहा हम नीट में हम आरक्षण 4% तक लेके जाएंगे पिछड़ों का। उसकी लड़ाई हमने लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, हम जीते भी। जब उससे नहीं माने तो नॉट सुटेबल कैंडिडेट की लड़ाई, जब उससे नहीं माने तो लैटरल एंट्री। ठीक है, अब सबके पास ठीक है, अब सबके पास मैं छोटे छोटे कमेंट्स के लिए आ रही हूं, तो अपना पहले से सोच लीजिए क्या बोलना है। आपके पास सिद्धार्थ जी, शुरू करते हुए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री हर मंत्री कौन सा वो पद है जिस पर आप व्यक्ति की जाति नहीं बताते हैं, कौन आप सांसद कितने आपने चुने हैं ओबीसी या दलित, वो सब आप सब बताते हैं और दूसरों पर उंगली उठाते हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, सबसे पहले तो जो जेडीयू के हमारे साथी थे उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। नीतीश जी ने जहां जिस सदन में खड़े होकर के आरक्षण बढ़ाने की बात करी, कुछ ही पल बाद वहां पे कह दिया कि मैं महामूर्ख था कि मैंने इस दलित को मुख्यमंत्री बनाया। ये तो आपका सामाजिक न्याय है, आप सांस भी नहीं बदल पाए उसी सदन में उसी जगह पर खड़े होकर के। आपकी मूर्खता थी कि आपने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया था, जब वो बनाए थे तब भी रिमोट कंट्रोल थे और आज भी उनके लिए आपने गालियां दी, कभी महिलाओं को गालियां दी, चलिए उसको छोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे सामाजिक न्याय के लिए, इन लोगों ने क्या किया, एक ही परिवार के 27 लोग चुने हुए पदों पर रहे, ये तो सामाजिक न्याय था। कभी कोई और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कभी कोई और प्रतिनिधित्व नहीं आ सकता, ये सामाजिक न्याय था। अब हम हमारी बात करते हैं, हनुमान जी की जाति क्यों आप बता रहे हैं? नहीं, ये हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि इनकेपेबल थे, नहीं उनका आरोप नहीं, उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख था कि मैंने इनको मुख्यमंत्री बनाया। ऐसी बात तो किसी और के लिए नहीं कह पाए, एक दलित के लिए कह पाए? ये मैंने नहीं कहा, कोइंसिडेंस है, 20 साल के मुख्यमंत्री किसी और के लिए भी कह लेते। पर से उनको, अगली बात बोलता हूं। अब रही बात दूसरी की, आपने पूछा कि हम जाति क्यों बताते हैं, अरे हम तो कहते हैं सबसे बड़ी जाति गरीब जाति, वो बात इनको पचती नहीं। हमने कहा बिहार के परिपेक्ष में देख लिया, सामान्य वर्ग में 25% गरीब है, ओबीसी में 33% है, एससी एसटी में 44% है। पर जब हम कहते हैं कि गरीब जाति, तब इनको चुभन होती है गरीब शब्द से, और आप ही की भाषा में आपको जवाब देते हैं कि आपको ओबीसी की याद तब आती है जब देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, और जब राष्ट्रपति दलित है तब आपको बहुत बुरा लग जाता है क्योंकि आपसे ज्यादा सामाजिक न्याय के लिए हम खड़े हैं। और ये सच्चाई है, क्या गरीबी सबसे बड़ा हैंडीकैप नहीं है, उस पर आधारित नहीं होना चाहिए आरक्षण? देखिए, गोलपोस्ट कैसे चेंज करना, ये भाजपा से कोई सीखे। आज तक हमेशा से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं, मैं ओबीसी की बात करता हूं। जब कांग्रेस पार्टी ने, जिसकी सबसे ज्यादा आबादी उसके अधिकार की बात करती, इनको चुभन क्यों हो रही है? अंजना जी, पूरी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता एक बार भी नहीं बता पाए कि वो कास्ट सेंसस कब करेंगे, कास्ट सेंसस के खिलाफ क्यों है, और जो कांग्रेस का स्टैंड है उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? आप पीछे इसको सवाल पूछ रहे, मत पूछिए सवाल, सारे सवाल बीच में मत बोलिए। एक लाइन में, वाजपेयी जी कभी कराएगा एनडीए की सरकार, मौजूदा सरकार नहीं कराएगी। एक मिनट अंजना जी, एक मिनट अंजना जी, मेरी बात को, अंजना जी मेरी बात को काटा गया, अंजना जी राजनीति ये क्या है, राजस्थान 64%, गुजरात 69%, तेलंगाना 50%, कोई लागू हुआ क्या आपको लगता है, कोई लागू किया क्या मौजूदा सरकार? क्योंकि इनको तो कमंडल से ही मंडल को काटना है जल्दी से। हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि चर्चाएं होती रहेंगी कि कास्ट सेंसस होने वाला है, देश भर में कराया जाएगा, अलग अलग राज्य कहेंगे कि हम अलग अलग राज्यों में करेंगे, लेकिन आने वाले समय में कम से कम 2-3 साल तो ऐसा होते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। अंजना जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले सप्ताह पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में फिर आपके सामने आएंगे कुछ आंकड़े लेके, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।